हम लोग मैं और जय जहांगीर हिरानी की शॉर्ट फिल्म है, बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म है जो कि डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे है, और मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किरदार निभा रही हूँ जो एक सुसाइड प्लानर है जो लोगों को खुदकुशी करने में मदद करती है। सो या इन्होंने वैसे ही बता दिया है सब कुछ। बेसिकली मैं आई एम गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन एंड मैं काफ़ी सारे अटैम्प्ट करता हूँ एंड देन मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा। सो आई हायर प्रोफेशनल जो सुसाइड कराने में मदद करती है लोगों की। सो आई ये बिजनेस रोल है मेरा। हाँ मतलब थोड़ा सा ये है। सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्न है, थोड़ा सा इट्स लिल बिट डिफरेंट एंड इट्स माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म, मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड कुछ है इसलिए शायद मैं इसमें एंड स्वरा है इस फिल्म में। सो मैंने कहा कि यस डेफिनेटली मुझे फिर करनी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि डिप्रेशन हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी सरकार उस पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी पास कर रही है, करने की कोशिश कर रही है पार्लियामेंट में। तो आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है कि इस मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में भी बने ताकि हमारे समाज में लोग इस चीज़ के बारे में ओपनली बात कर सकें, क्योंकि आई थिंक कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे डिप्रेशन को लेकर और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत शर्म की भावना महसूस करते हैं लोग। इसे किसी तरीके से यू नो एक ऐसी चीज़ माना जाता है जो छुपानी चाहिए, जिसके बारे में बात नहीं करना चाहिए क्योंकि यू नो किसी तरीके से बेइज्जती हो जाएगी। या सो आई थिंक कि जहांगीर की जो ये फिल्म है और जिसे प्रज्ञा ने लिखा है वो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज देती है। उसमें मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वियर्ड सा किरदार कर रही हूँ, बट अल्टीमेटली फिल्म का जो मैसेज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक मैसेज है। Okay, ये डायरेक्टर बताएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि 10 सितंबर जो होता है इट्स वर्ल्ड प्रिवेंशन डे फॉर सुसाइड, सो ऑन दैट डे इट विल बी रिलीजिंग द फिल्म। वी हैड कम अप विद द आइडिया आई थिंक अबाउट 6-7 मंथ्स बैक, देन आई स्टार्टेड डेवलपिंग इट, देन आई मेट प्रज्ञा हु इज द को राइटर ऑफ द फिल्म, बट फिर देन वी गॉट इन टच विद स्वरा एंड देन वी डेवलप्ड इट इवन मोर एंड देन जय एंड दैट्स हाउ वी केम अप विद इट। We got a luckily fell in place that 10 September is World Prevention for Suicide, you know, and then accordingly we went towards it. मैम जब आपके पास स्क्रिप्ट आया तो आपको क्या लगा कि आपको ये करना ही चाहिए? वेल मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सुइसाइड प्लानर हूँ, और मतलब सुइसाइड प्रिवेंशन डे पर हम एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसमें मैं किरदार कर रही हूँ जो सुइसाइड प्लान करने में लोगों की मदद करती है और खुदकुशी करने में लोगों को हेल्प करती है, तो मुझे लगा ये बहुत ही अलग किस्म का किरदार है। ये एक ऐसा किरदार है जो मैंने आज तक कभी किया नहीं है। आई थिंक इसके बड़े इंटरेस्टिंग शेड्स हैं, तो मुझे लगा ये काफ़ी चैलेंजिंग है। और जैसा कि जय ने कहा, आई थिंक कि शॉर्ट फिल्म का जो प्लेटफॉर्म है वो चूँकि डिजिटल स्पेस अब इतना खुल गया इंडिया में, वेब कंटेंट इतना बढ़ रहा है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो मुझे लगा शॉर्ट फिल्म एक अच्छा माध्यम है लोगों तक दर्शकों तक पहुँचने का, और ये जो फिल्म है जो अल्टीमेटली जिसका मैसेज अच्छा है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए। फैंटास्टिक, मैं पहली बार इनके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छी बात है बोलना, मैं बिल्कुल यही बैठी हूँ, मैं बिल्कुल रिएक्ट कर सकती हूँ अभी, मैं सुसाइड प्लानर भी हूँ। मैंने इनकी काफ़ी सारे फिल्म्स देखे हैं। मैं तो मतलब आके मैंने फर्स्ट चीज़ उनको कहा था कि यू नो मैं आपके फिल्म्स देख चुका हूँ एंड रिप्लाई में मुझे आया था कि सॉरी बट आपने क्या काम किया। आई डिड नॉट डू दैट। सो इन्होंने मैंने फिर बाद में मैंने बोला कि चलो पूरा दिन अभी इनसे बात करते पता करते कि ऐसा मतलब मैंने इतने सारे काम किए कि जो इन्होंने क्यों नहीं देखा। तो मालूम पड़ा कि आफ्टर द एज ऑफ 18 उन्होंने टीवी देखना ही बंद कर दिया है। सो मैं सोचा कि चलो फैन में थोड़े से वैसे आएंगे कि हाय जय नस्वारा, लेकिन बहुत ही डिफरेंट था एंड लेकिन बहुत मजा आ रहा है। झूठे हैं ये सब झूठे, मैं अपना वर्जन भी बताऊंगी इसके बाद। नहीं नहीं नहीं, मतलब उसके बाद फैन में इन्होंने अपने को एक्टर्स के बारे में भी काफी बातें की थी, बहुत सो काफी इंटरेस्टिंग था एंड अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। एंड सेकंड थिंग यू नो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, डिप्रेशन से भी ज़्यादा वो जो सुसाइडल जो एक चीज़ है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एंड रिसेंटली मैंने अपने एक दोस्त से सुना था कि एक
अभी कुछ ब्लू व्हेल गेम यस मैं अभी कल परसों ही मैं इसे मैं स्वरा को बता रहा था कि यू नो ब्लू व्हेल टाइप की एक गेम है जहाँ पर यू नो वो गेम में बच्चों को एक्साइट करते हैं कि वो चैलेंजेस देते हैं दैट यू नो आज आप अपनी नस काट के दिखाओ आज आप ये ट्राई करके दिखाओ आज आप 50 डेज का गेम एंड दैट इज डिप्रेसिंग यू नो कि आजकल ऐसी गेम्स आ रही है एंड रादर देन लाइक यू नो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज थिंग्स हम बहुत ही फलाना फलाना नॉनसेंस चीज़ों पे बैन लगा के यू नो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस फिल्म के थ्रू यू नो सही तरीके से यू नो हम चलेंगे सर भी कह रहे हैं कि ये गेम बहुत हानिकारक है बच्चों के लिए भी और है ये भी क्योंकि कल भी कोलकाता में ये हादसा हुआ है 10 साल का बच्चे ने सुसाइड किया तो आपको लगता है ऐसे गेम को बैन करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से आई मीन आई एम शॉक्ड मैंने तो पहली बार जैसे सुना कि ऐसा गेम भी है क्योंकि मुझे पता नहीं था एंड आई थिंक इट्स मतलब ये गेम अवेलेबल भी कैसे हो रहा है बच्चों तक पहुँच भी कैसे रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये और ख़ास करके ये एक ऐसी सरकार है जो यू नो कंटेंट को रेगुलेट करने में इतना विश्वास रखती है इन्होंने पिछले साल पोर्न वेबसाइट्स बैन कर दिए थे राइट तो आई थिंक कि अगर आप इतना कंट्रोल कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि इसमें तो बच्चों के मतलब सिक्योरिटी हैजर्ड है ये अपार्ट फ्रॉम कि एथिकली कितना गलत है अपार्ट फ्रॉम कि यू नो बच्चों की सेफ्टी के लिए कितना गलत है मतलब इसमें तो बहुत सारे मुद्दे हैं सो डेफिनेटली आई एम सरप्राइज कि अवेलेबल भी है पुलिस ने उनसे पूछा भी था उस बच्चे से कि क्या डिप्रेशन है किसी ने कुछ ऐसे यू नो कुछ ऐसी उल्टी बात की बोला कुछ नहीं बोले कि मैं तो गेम खेल रहा था वो चैलेंज दिया था तो मैंने कर लिया था एंड दैट्स स्कैरी स्कैरी फॉर आर फ्यूचर ऑल्सो यू नो जो भी हमारे यू नो आने वाली जो जनरेशन आने वाली है अभी ऐसे टाइप के गेम्स आएंगे हम तो यार मारियो के आगे बड़े नहीं थे और ये सब कहाँ कहाँ जा रहे हैं इट्स इट्स स्कैरी यार नहीं नहीं ऑफ कोर्स नहीं दिए मैं एक बिल्कुल मैं अच्छी इंसान हूँ मतलब जैसे भी मेरे किरदार हो और जो भी मैं ट्विटर पे लिखूँ लेकिन मैं हूँ बहुत अच्छी लड़की और जिम्मेदार नो आई थिंक दैट टिप्स के अलावा आई थिंक कि डेफिनेटली लोगों से हमें जो लोग मानसिक स्वास्थ्य के इशू से डील कर रहे हैं उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए एंड उन तक पहुंचने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए एंड आई थिंक आई रियली लाइक टू गेट प्रज्ञा इनपुट बिकॉज इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सो